बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब्स आ चुकी है। बहुत अच्छे जॉब्स है इसमें। 42 जॉब जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की है, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर की 28 जॉब्स है, नायब कासिद की 42 जॉब्स है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में आप डिटेल से बताऊँगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जॉब्स है जो अकाउंट ऑफिसर BBS 17 है, एक जॉब है खैबर पख्तूनख्वा है, और इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजरिंग 21 जॉब्स है, BBS 17 है, 28 असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर सिविल BBS 16 है, 28 असिस्टेंट मैनेजरिंग ऑफिसर NRM BBS 16, 28 सीट्स है। इस तरह असिस्टेंट मैनेजरिंग ऑफिसर 28 सीट्स है, और इसमें जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की 42 सीट है, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम रोगनाइज यूनिवर्सिटी, और हैबर पख्तूनख्वा मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए है। और इसमें जो ड्राइवर है BBS 6, 21 पोस्ट है, मेट्रिक मस्ट पोसेस LTV HTV ड्राइविंग लाइसेंस, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए ड्राइवर। इसमें चौकीदार 21 सीट है, नायब कासिद की 42 है लेटरल, और हैबर पख्तूनख्वा मजिस्ट्रिक स्वीपर 21 सीट है। और इसकी जो अप्लाई है वो ऑनलाइन है, और किस तरह किया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे CTSP, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कैरियर टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की मेन्यू ओपन होगा। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये इसको आप खड़ करेंगे, ये न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, और 2 नंबर पर मैनेजरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम एंड हैबर पख्तूनख्वा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन होगा। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, और ये इसके 17 दिसंबर 2020 की लास्ट डेट है, और डाउनलोड टू अप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। आप अपने डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट नेम देंगे, पोस्ट जो जो नायब कासिद या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो देंगे, डिस्ट्रिक्ट अपना जो है वो देंगे, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट देंगे, डिवीजन देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, और फादर नेम देंगे, अपना नेम देंगे, और डाउनलोड अप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका अप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद आप बैंक स्लिप के जो पैसे वो जमा करने के बाद आप उसको सारा डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद पिक्चर 6 फोटोग्राफ नए रिसेंटली फोटो उस पर लगा कर फिर उसी पता पे आप उसको अरसाल करेंगे। तो ये मालूम इन शुरू दोबारा इस तरह की नहीं जो कि वीडियो से दोबारा मिलेंगे। तो इस वक्त आपसे इजाज़त है।